मध्य प्रदेश सहित जिले में करीब एक माह से रूठे मानसून के कारण सूख रही खरीफ फसलों के मुआवजे की मांग उठने लगी है। सोमवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिले भर के किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ ही हाल ही में बदले गए बिजली शेड्यूल को यथावत करने की मांग को लेकर प्रभावी प्रदर्शन किया है। फसलों को आंखों के सामने मुरझाती देख चिंतित किसानों ने बिजली शेड्यूल के लिए बदलाव पर आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष सदाशिव पाटीदार, दिनेश पाटीदार, श्याम पाटीदार, सीताराम पाटीदार, मुकेश पटेल ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि खेतों में फसलें पूरी तरह सूख चुकी है, इसके बाद भी अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे खेतों तक नहीं पहुंच पाया है, नतीजतन वे खुद सांकेतिक तौर पर खराब फसल लेकर आए हैं। यदि प्रशासन इस पर भी नहीं जागा तो ट्रैक्टर ट्राली में खराब फसलें लेकर आएंगे और कलेक्ट्रेट में ही छोड़ जाएंगे। पांच सूत्री मांगों में किसानों को जिले में अल्प वर्षा और वर्तमान में एक माह में बारिश नहीं होने की स्थिति में समूचे जिले को सूखा घोषित करने की मांग भी की है। किसानों ने कहा कि यदि बारिश हो भी जाती है तो फसलें नहीं बच पाएगी, करीब 70% से अधिक फसलें सूख चुकी है। यदि 10 दिन में ये मांगे पूरी नहीं होती है तो 15 सितंबर को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। मेरा किसान रात दिन मेहनत करता है और इसका साक्षात प्रमाण है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर अनेकों बार किसान कर्मण्य अवार्ड मुख्यमंत्री जी को मिला है। कोरोना के समय में भी हमने देखा है कि सारे विभाग, सारे व्यवसायी, सारे कारखाने ठप हो गए थे। ऐसी विषम परिस्थिति में भी भारत की जीडीपी को जिसने बनाए रखा वो केवल किसान है। आज उस किसान को जब आवश्यकता हुई, प्रकृति की मार, ये दिन हम कभी सपने में भी सोचना नहीं चाहते कि इस दिन के लिए मेरे किसान को यहाँ पर आना पड़े। लेकिन आज जब मेरा किसान इस रोड पर अपनी उपज को बचाने के लिए, उसके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था जुटाने के लिए आज आया है, ये खरगोन प्रशासन के लिए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। जिस किसान को अपने परिवार के साथ रहना होता है आज वो यहाँ रोड की खाक छान। अभी वर्तमान में जो हमारे जिले की स्थिति है, सबको विदित है कि अल्प वर्षा की वजह से जिले में सारी फसलें चौपट हो गई है। वर्षा आधारित जो भी फसलें हैं, मूंग, मसूर, सोयाबीन, मक्का, ये सारी फसलें चौपट हो गई है। और हमारा जो जिला है मिर्च का और कपास का खास क्षेत्र के माना जाता है और वो फसलें भी अभी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। जो फसलें समाप्त हो चुकी है उन्हें तो आज भी बारिश हो जाए तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन कपास और मिर्च को फसल को बचाने के लिए अभी वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास पानी देने की है। और आज हमारे पास मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने और सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि जो लाइन हमको 10 घंटे मिलती थी उसमें कटौती करके रात में 7 घंटे देने का नियत किया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कुल मिलाकर हमको लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं कि किसान की कोई फसल बचे। इसको लेकर भारतीय किसान संघ आज यहाँ पर चेतावनी के माध्यम से इकट्ठा हो रहे हैं। अगर ये हमारी चेतावनी को जल्द ये शेड्यूल को समाधान नहीं किया गया, खरगोन जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया, तो आगामी 15 तारीख को पूरे परिवारों के साथ लेकर यहाँ पर उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसका जवाब 15 तारीख को सांकेतिक और चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। सदाशिव पाटीदार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।